नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में करीब 34 साल बाद बदलाव किया गया है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है और इसमें तमाम अमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। स्कूली शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ जो उच्च स्तर की शिक्षा है उसको बेहतर बनाया जा सके, शिक्षा को राजोन्मुखी बनाया जा सके, उसको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जा सके, तमाम तरह के प्रयास जो है इसमें शिक्षा नीति में किए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो हुई थी उसमें इसको मंजूरी दे दी है और अब ये पूरे देश में लागू होगी और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वास चौहान जी, जो कि शिक्षाविद हैं और लंबे समय से उनका अनुभव है शिक्षा दीक्षा में और लंबा अनुभव है सामाजिक क्षेत्र में भी, और साथ ही डॉक्टर राहुल रंजन हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और शिक्षा जगत पे पैनी नज़र रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। विश्वास जी, अगर नई शिक्षा नीति की बात की जाए, एक लंबा अरसा बीत गया था शिक्षा में सुधार को लेकर, नीति में सुधार को लेकर, नई नीति आई है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए अजीत जी, ये लगभग 34 वर्षों के बाद ये देश में एक सुअवसर आया है कि हमने अपने देश की शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया है, वरना अभी तक हम मेकाले को ही अधिकतर लोग कोसते रहते थे जी। और वास्तव में एक निरंतर परिवर्तनशील समाज को जी एक किसी स्थायी नीति के अंतर्गत रखना उस विषय को कहीं ना कहीं पीछे रखता है जी। इसलिए समाज के साथ साथ नीतियां भी परिवर्तन होना चाहिए जी। और इसी दृष्टि से यदि देखा जाए तो 26 जनवरी 2019 को इसका ड्राफ्ट लगभग 2014 के बाद से निरंतर हम सब लोग बैठे थे पूरे भारत में, हर विश्वविद्यालय के हर तरह के शिक्षकों ने, प्रोफेसरों ने, विद्यार्थियों ने बैठकर इसमें अपना योगदान दिया था। और 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक ये पूरी सतत प्रक्रिया जो है लगभग चलती रही, जिस पर आज हमें सफलता प्राप्त हुई। जो पब्लिक डोमेन में इसको डाला गया था, तमाम तरह के सुझाव लिए गए, हर स्तर पर सुझाव लिए गए, इवन 1.25 लाख जो पंचायतें हैं उस स्तर तक सुझाव लिए गए, शिक्षाविदों से सुझाव लिए गए, राज्य सरकारों से सुझाव लिए गए और उसके बाद ये जो नई नीति बन के आई है, नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जो है वो हमारे सामने है। अगर मैं आपसे बात करूँ विश्वास जी, प्रमुख आप क्या बिंदु देखते हैं, प्रमुख क्या सुधार देखते हैं आप इस नीति में? देखिए, वैसे तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन है, चूंकि अभी लगभग 4 बजे मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा अधिकृत की गई है, लेकिन जो भी हमारा अध्ययन इस विषय में रहा है उसमें सबसे पहली चीज जो देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो शिक्षा को समान, समावेशी और जीवंत इन मुद्दों पर आधारित रहने वाली है। समान, समावेशी और जीवंत, इसमें यदि हम देखें तो स्कूल शिक्षा पे इस बार जो है उन्होंने कौशल विकास पर यानी स्किल डेवलपमेंट पर बहुत चर्चा करी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज भी जब बच्चा डिग्री लेकर बाहर जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने क्या किया था, वो कहता है बीए किया, एमए किया, लेकिन आप क्या जानते हैं करना, तो वो उसके पास कोई स्किल नहीं है। और इसके कारण जब स्किल उसके पास नहीं होती, जब उसको एक रोजगार प्राप्त करने की कला उसके पास नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा के बारे में अपने आप को असफल, तमाम ज्ञान के बावजूद वो अपने आप को असफल जो है महसूस करता था। और शायद इसीलिए शायद छठी क्लास से कोडिंग सिखाने की बात की गई है, राहुल कोडिंग की बात की गई, किस तरह के देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए दो चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें, जो मैंने अभी तक देखा है, जो नीति आई है सामने जी, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन का जो सिस्टम बन गया था अभी तक ट्रायल बेस पे चल रहा था, कभी कुछ परिवर्तन राज्य सरकारें अपने स्तर पे परिवर्तन करती थी, केंद्र सरकार उसमें लेके आती थी, मतलब पाठ्यक्रम में इतना विविधता थी कि एक छात्र दूसरे स्टेट में जाता था पढ़ने के लिए उसमें कन्फ्यूजन पैदा होता था। पहली चीज़ तो महत्वपूर्ण हुई कि पूरे देश में एक साथ एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जी। दूसरी चीज़ जो समझ में आ रही है कि एक सब्जेक्ट, मतलब एक विषय ऐसा था कि अंग्रेजी पढ़ना है बच्चे को, संस्कृत पढ़ना है, विदेशी भाषाओं से बिल्कुल दूर हो जाना है, तो एक उन्होंने एक ये प्रयोग शुरू किया है इसमें कि एक विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से किसी छात्रों को पढ़ना पड़ेगी, वो फायदेमंद होगा। तीसरी चीज़ ये समझ में आ रही है कि जो बच्चा एजुकेशन लेता था, जो विश्वास जी का समर्थन करूंगा उस बात में कि आप उस बात को लेकर के बच्चा जब डिग्री लेके जाएगा बाहर तो उसका वो अपना पढ़ा हुआ ये समझ नहीं पाता था कि उपयोग आएगा कि जीवन में आएगा, रोजगार पा पाएगा कि नहीं पा पाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना का संकट इस समय जो देश में चला उसको लेकर के जो डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट पे क्लासेज जो शुरू हुई, छात्रों के जो ओपिनियंस मिले, उससे सरकार को इन चीज़ों को समझने में, हाँ ये हो सकता है कि ड्राफ्ट पहले आया लेकिन इस दौर में ये चीज़ें बहुत उभर करके सामने आई कि स्टूडेंट किन चीज़ों का सामना कर रहा है, उस चीज़ को इस पूरी की पूरी नीति में लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर के फायदा पहुंचाएगी। जी बिल्कुल, फायदा पहुंचाएगी। और ये बहुत बड़ी एक पूरा ड्राफ्ट है और इसको भी अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, लगातार अध्ययन किया जाएंगे, कई सारी चीजें उससे बाहर निकलेगी। वक्त चला ब्रेक का, जल्द मिलते, बने रहिए हमारे साथ। अरे ये छुपता नहीं है, ग्रूमर इंस्टा की तुरंत असरदार खाद की शक्ति से बढ़ती है हमारी फसल यूं की यूं। इंस्टा फसल, इंस्टा खुशियां। सुनो। हाँ? अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता वाहन, और गाड़ी भेज। क्या कर रही हो तुम, अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात आयुसीडी यानी PPIUCD, डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद, इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। भाइयों, भूकंप संभावित पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आज हमें भूविज्ञानी बताएंगे। सबसे पहली बात, कच्चे पहाड़ों पर मकान न बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भारी निर्माण मिट्टी की पकड़ को ढीला करता है, ऐसे में भूकंप आने पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इमारतों के निर्माण के समय भूकंप से बचाव संबंधी मापदंडों का ख्याल रखना चाहिए और मिट्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आपके हित में तत्पर NDMA। अरे ये छुपता नहीं है, ग्रूमर इंस्टा की तुरंत असरदार खाद की शक्ति से बढ़ती है हमारी फसल। इंस्टा फसल, इंस्टा खुशियां। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020, जो कि जिसको कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और विश्वास जी, हम आपसे बात कर रहे थे ब्रेक के पहले कि जो विशेष प्रावधान है इसमें, एक सबसे बड़ा प्रावधान है कि 10+2 पहले हम सुनते आए हैं कोठारी आयोग की जो सिफारिश उसके बाद से लागू हुआ था, 34 साल हो गए थे, अब 5+3+3+4, थोड़ा इसको समझाइए। देखिए, अब जो सिस्टम लागू होगा शिक्षा नीति में, जो नया सर्कुलर आया है जी, उस नए सर्कुलर के अनुसार जो शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव है वो 5+3+3+4 का डिजाइन है जी। इसमें अगर देखें तो 3 साल की तैयारी वाला रहेगा, या इसको लेटर प्राइमरी के रूप में उसको बताया गया है। ये 3 साल का प्री प्राइमरी स्टेज रहेगा, प्लस इसमें 1-2 उन्होंने किया है जी। फिर इसके बाद 3 साल की तैयारी का मामला है जिसको हमने कहा है लेटर प्राइमरी स्टेज, यानी Grade 3-5 तक। फिर इसमें जो मध्य या उच्च प्राथमिक, ये जो 3 साल के चरण होंगे ये 6-7-8वीं कक्षाओं तक होंगे, और जो आखिरी वाला जो है 4 साल का जो उच्च या माध्यमिक चरण है उसको 9-10-11-9 से लेकर 12वीं तक का ये 9+4 वाला मैटर है। इस तरह ये 5+3+3+4 ये एक डिजाइन इसमें। इसमें एक कोशिश और की गई, अगर बीच में पढ़ाई कोई छोड़ देता है तो वो ब्रेक ना हो और बाद में वो अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकता है। हाँ, ये इसमें पूरा इसमें ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं,
और इसमें सबसे अच्छी बात जो की गई है कि इसमें अभी तक बच्चे सिर्फ कोर्स मटेरियल या किताबों में ही उलझे रहते थे, लेकिन अब बच्चों को इनमें बाकी विषयों में अंक प्राप्त करने के साथ साथ उसमें शिक्षा कौशल और इन चीज़ों के भी उसमें जो है अंक जोड़े जाएंगे, उसके बाद ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी जीवन जीने का तरीका भी उसको साथ में सीखना होगा। जो बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया गया, एक बुनियादी शिक्षा जो बुनियादी रूप में जब बच्चा शुरू में जो सीखने की वो हैबिट होती है बच्चे की, जो एक क्षमता होती है वो बचपन में ज़्यादा होती है, उस समय ज़्यादा भाषाएं सीख सके, ज़्यादा अपनी क्षेत्रीय भाषा सीख सके। बहुत अच्छी चीज़ इसमें रखी गई है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो स्थानीय भाषा, यानी कि पहले ये होता था कि अगर हम कहते थे कि हिंदी में भाषा, हिंदी में पाठ्यक्रम होना चाहिए, अंग्रेजी में होना था, तो हिंदी का विरोध दक्षिण भारत में बहुत होता था। जी, अब इस शिक्षा नीति में ये किया गया है कि यदि कोई कर्नाटक का बच्चा है तो कन्नड़ में अपनी प्राथमिक भाषा ले सकता है, तमिल वाला बच्चा तमिल में ले सकता है, और अगर महाराष्ट्र का बच्चा है तो मराठी में वो भाषा अपनी सीख सकता है और अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है। और इसको 8 भाषाओं में ये ई कोर्सेज जो है वो लागू किए जाएंगे। डॉक्टर राहुल, अगर हम बात करें आपसे कि आप क्या प्रमुख बिंदु देखते हैं आप ये पूरी जो शिक्षा नीति आई उसको लेकर, क्या है जो व्यवस्थाएं शिक्षा नीति में की गई है, आप उन चीज़ों में दूसरी चीज़ को देखिए कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जो लोग नेटवर्क जो काम कर रहा है मूलतः से शिक्षक हैं, शिक्षक ही परेशान होते थे शिक्षा नीति में, जो पुरानी शिक्षा नीति चली है। अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो बिंदु मैंने देखे हैं वो बिंदु सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब वो वेतनमान जो है शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का वेतनमान अलग होगा। दूसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक काम करेंगे उनकी आवासीय व्यवस्था वहीं की जाएगी जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह में की जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि टीचर एक ऐसी मतलब व्यवस्था में एक ऐसा व्यक्ति हो चुका है कि उसको कहीं भी जुझा दिया जाता है, हर जो भी व्यवस्था हो, जनगणना हो, कुछ भी हो, तो शिक्षकों की वहाँ ड्यूटी लगा दी जाती है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, सिर्फ मतदान के अलावा शिक्षकों की कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच में एक और गैप खत्म किया गया है कि बहुत सारे छात्र हुआ करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में भी, और शिक्षकों की संख्या कम हुआ करती थी, 70-70 बच्चे एक क्लास में बैठते थे, एक शिक्षक पढ़ाता था, अब ये फिक्स कर दिया गया है कि 25 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा, ये बहुत बड़ा बिंदु है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अब सबसे बड़ी बात है, सरकार ने अंकुश लगाने की कोशिश इस बात पर भी की है कि जो प्राइवेट स्कूल जो तेजी के साथ में बढ़ रहे थे और जिनका बहुत ज्यादा सेक्टर बहुत व्यवसायीकरण हो गया था, व्यवसायीकरण हो गया था, इस पर लगाम कसने के लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली इस नीति के माध्यम से कि अब वहाँ भी जन भागीदारी समिति बनेगी और उनके कंट्रोल में आएंगी। बिल्कुल, जिससे की जो उनकी जिम्मेदारी है उस पर रहे, डॉक्टर चौहान, जिस तरह उनकी जिम्मेदारी उस पर रहे और शिक्षा का निजीकरण किया गया, व्यवसायीकरण जो हो गया है उस पर रोक लगे और सभी को एक समान अवसर मिले समाज में, सभी अपने स्तर पे विकास कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, कहीं ना कहीं ये ड्राफ्ट भी आप देखते हैं इसमें, और तकनीक का उपयोग भी करने की बात की गई है इसमें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें छात्रों के लिए चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से, और वो ये सब चीजें उनकी भाषाओं में, जी सबसे बड़ी बात ये उनकी भाषाओं में रहने वाली है। तो जो एक कोरोना के समय जो हमने देखा कि एक बच्चों को अभ्यास नहीं था ऑनलाइन कक्षाओं का या आईसीटी का या ऐप के माध्यम से पढ़ाई करने का, तो ये सतत अभ्यास उनको शुरू से ही कराया जाएगा ताकि अगर किसी कभी आकस्मिक स्थिति आती है तो उनका ये अभ्यास भी बना रहे। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें इसमें तो लगभग 1000 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1 करोड़ से अधिक हमारे देश में शिक्षक हैं और 33 करोड़ छात्र छात्राएं इस देश में, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो अभी पूरा नाम था जो उसका नया नाम किया है शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ये भी एक बदलाव हुआ है जी, इन सब लोगों पर इसका एक सुप्रभाव पड़ने वाला है जी। बिल्कुल, और आलोक जी मैं एक चीज फोकस यहाँ करना चाहूंगा कि हर राज्य में शिक्षकों के तबादले को लेकर के आप मान के चलिए कि उद्योग की एक संज्ञा दे दी गई थी कि तबादला उद्योग चलता है और एक बहुत एक लंबी सूचियां तैयार होती थी और एक जुलाई के बाद में जब जैसे सेक्टर खत्म होता था तो अब वो उस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब शिक्षकों के तबादले नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कुल मिला के जो शिक्षक है वो शिक्षा पर ही केंद्रित रहेगा, वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर सिर्फ छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा उसे माहौल दे सके, इसका प्रयास भी किया गया है नई शिक्षा नीति में। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। पर छुप क्यों जाता है?
अरे ये छुपता नहीं है, ग्रोमोर इंस्टा की तुरंत असरदार खाद की शक्ति से बढ़ती है हमारी फसल। इंस्टा फसल, इंस्टा खुशियां। जी बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020, जिसे कि आज केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर विश्वास चौहान जो कि शिक्षाविद हैं, और साथ ही डॉक्टर राहुल रंजन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं इसमें, शिक्षकों के हित में, छात्रों के हित में, और तमाम जो शिक्षा व्यवस्था उसके हित में। एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो शिक्षा व्यवस्था जो अपनी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो चल रही थी, उसमें अब समय के साथ में इतना परिवर्तन हो चुका है, इतना परिवर्तन हो चुका है कि जो पुराने शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वो अब तक उस नई शिक्षा नीति से ट्रेंड नहीं हो पाए। उनको बार बार सिखाया जाता है, ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, लेकिन नई तकनीक से वो वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है जो करीबन 10 लाख पद जो रिक्त पड़े हुए हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में सीधे सीधे इतना टफ एग्जाम होते जा रहा है कि जो लोग वाकई में टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वही लोग वहां होंगे, क्योंकि उनका साक्षात्कार उस स्तर पे भी होगा कि वो क्लासरूम में पढ़ाते कैसे हैं। अभी तक ये होता था कि वो लिखित परीक्षा पास हो गए और मास्टर बन गए, जाकर के टीचिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको क्लासरूम में खड़े होने का आइडिया नहीं था। तो ये मतलब छात्रों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी कि उनका टीचर उस सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट होगा जो उनके लिए भविष्य में ज्यादा कारगर होगा। इसीलिए शायद इंटर्नशिप की बात की गई कि स्कूल स्तर पे भी इंटर्नशिप कराई जाएगी। जी, स्कूल स्तर पर भी इसमें इंटर्नशिप का प्रावधान है ताकि बच्चों में सतत जो है कौशल विकास उसमें हो सके। एक चीज में इसमें आप में और ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि इसमें एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी अभी तक हम देखते थे कि अगर देखा जाए तो NCT आती थी या अलग अलग पाठ्यक्रम, BEd के लिए अलग कोई उनको जो है इंस्पेक्शन करने आता था वगैरह वगैरह। अब इन सब चीज़ों को भंग करने वाला है, हालांकि UGC भी भंग होने वाली है जी, और उन सबको मिलाकर एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जी। इसमें जो मेडिकल और लॉ है जी, इसको अलग रखा गया है। ये तो अभी BCI और MCI से ही गवर्न होते रहेंगे, बाकी जितने भी अलग पाठ्यक्रम है, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम, उनके लिए एक समेकित इसमें पाठ्यक्रम इसमें रखा गया है। और दूसरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको रख दिया था, जब हम देख रहे थे एक नागरिक की दृष्टि से, तो उसको उन्होंने पूरा किया है एक तरह से, और एक तरह 99,000 करोड़ रुपए इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बजट में, इस शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। और एक और बात और है कि शायद GDP जो है उसको भी 1.7 से 6% उसको करने की जो करने की बात की गई है, बड़ा एक फैसला है। पहले 30 तक करोड़ तक विद्यार्थी इसमें होते थे, लेकिन अब 50 करोड़ विद्यार्थियों तक को इसमें जो है, इसको 50% विद्यार्थियों तक को इसमें इसके दायरे में लाभान्वित करने की योजना उसमें बनी है जी। डॉक्टर रंजन, शिक्षा पे हमेशा बात उठती थी कि हमारा देश बहुत कम खर्च करता है, तमाम तरह के व्यय हो जाते हैं, तो इस बार जो है करीब 6% रखा गया है कि शिक्षा पे व्यय किया जाएगा GDP का, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नई शिक्षा नीति में जो बजट आया हुआ है, जितना पैसा दिया गया है, आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में इतना पैसा शिक्षा के ऊपर कभी नहीं खर्च करने की बात कही गई है जी। ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि अनऔफिशियली यदि बात की जाए, यदि अनौपचारिक रूप से बात की जाए, तो इतनी फंडिंग को यदि ईमानदारी के साथ में पूरे हिंदुस्तान में यदि कार्यान्वयन बिल्कुल क्रियाशील कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा नीति में ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने होगा। बिल्कुल डॉक्टर चौहान, एक कहा गया कि अंतर विषयी जो होता है, इंटर डिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट होते हैं, पहले डिवाइड था कि जो साइंस वाला है वो साइंस ही पढ़ेगा, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग पढ़ेगा, या आर्ट वाला आर्ट, कॉमर्स वाला कॉमर्स, तो अब ये प्रसार किया गया कि आप इंजीनियरिंग वाला भी चाहे तो म्यूजिक ले सकता है। ये किस तरह से इसको शब्द दिया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट जी, ये इसमें जो है सुविधा दी गई है। साथ में जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते थे, जैसे कि BA LLB हुआ है, BCOM LLB हुआ है, या BSc LLB हुआ है, या और भी दूसरे इंटीग्रेटेड कोर्स चलते थे, वो 5 साल के कोर्स होते थे, तो उनके बाद में अगर उसको रिसर्च में जाना है तो पहले MPhil करना होता था जी। बिल्कुल, अब इसमें ये क्लियर कट कर दिया गया है कि जो 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले हैं उनको अब MPhil नहीं करना होगा जी। और साथ में ये भी हो गया है कि कॉलेज जो हैं उनको एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। एक्रेडिटेशन यानी उनका प्रत्यायन उनका किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, उसके आधार पर उनको जो है इसमें दिया जाएगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें कि मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा, यानी बच्चे जो हैं माँ बाप उनको स्कूल में भेजने बाद फ्री हो जाते हैं जी जी, शिक्षक जो है क्लास के बाद उनसे टच में नहीं रह पाता, लेकिन क्लास के बाद भी शिक्षकों को मेंटरिंग करने के लिए, यानी उनको देखभाल करने के लिए, उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर पूरा जो है शिक्षा नीति में दिया गया है।
अक्सर बात उठती थी कि जो शिक्षा व्यवस्था है जो भारत की वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है कहीं ना कहीं, और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है क्योंकि हम इस तरह में एक ग्लोबल विलेज या वर्ल्ड कह सकते हैं उसमें हम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो स्थानीय ना हो, मतलब ये कि ऐसा छात्र बने जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सर्वाइव कर पाए, कॉम्पिट कर पाए। आप किस तरह देखते हैं कि जो नए प्रावधान आए हैं नई शिक्षा नीति में वो किस तरह इसमें सपोर्ट करेंगे? देखिए, एक तो इसमें बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि जो विश्व स्तर के जो संस्थान हैं जी उनको भी भारत में आकर और पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति इसमें दी गई है ताकि विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिल सकें, साथ ही यहाँ के जो विद्या विश्वविद्यालय उनके साथ कंपटीशन जब करेंगे तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक गुणवत्ता ही बढ़ाएंगे। साथ ही इसमें एक NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जी इसकी स्थापना का भी इसमें नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से बहुत सारे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलने वाला है जी। आप कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेके जाइए वो आपको फंडिंग करेगा। अभी ऐसा कोई फंडिंग होता नहीं था PhD के पहले या JRF के अलावा, ऐसा हमारे साथ सामने सिस्टम नहीं था, लेकिन अब स्कूल लेवल से जी जी ये सारी चीज़ें जो है NRF के माध्यम से संचालित की जा सकती हैं। हाँ डॉक्टर रंजन, कहीं ना कहीं अक्सर ये होता था कि रिसर्च की बात इसमें आई है कि रिसर्च के लिए फंड बनाया गया है, फाउंडेशन बनाया गया, लेकिन हमेशा ये होता था कि क्वालिटी रिसर्च नहीं हो पा रही है, ऐसा कहा जाता था कि वही जो हमारे यहाँ के जो छात्र होते थे वो जब विदेश में जाते थे तो बहुत अच्छी रिसर्च करते थे, बहुत अच्छा वहाँ पर वो अपना आउटपुट देते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स जो बाहर जाता था वो यहाँ पर सुविधा मिलने से, यहाँ पर फंडिंग मिलने से, यहाँ पर उस अपने आइडिया को इम्प्रूव कर पाएगा, डेवलपमेंट में भाग ले पाएगा। देखिए, सीधी बात है कि यदि आपको बाहर से यदि सोर्स आता है और बाहर से आकर के शिक्षक हुए शोधार्थियों को यदि करते हैं वो अध्ययन को लेकर के उनको नई नई चीज़ें उपलब्ध कराते हैं तो शोध जहाँ भी जिस विश्वविद्यालय में जिस स्तर पर भी शोध होते हैं वो उनका स्तर तो बिल्कुल तेजी के साथ में बढ़ेगा। अभी वाकई में आपने सही कहा कि जो अभी होते हैं चुनिंदा सब्जेक्ट पर रिसर्च होती है और सिर्फ ये एक बात रह गई कि हमें PhD करना है तो PhD कर लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया, PhD हो गया आपके साथ, डॉक्टर लग गया, लेकिन उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती थी। जबकि ये होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये होता है कि जिस विषय में उसने PhD की है मतलब उस पर उसका कमांड है और उसका काम जो समाज के काम आ रहा है जी। डॉक्टर चौहान, वो हमने अक्सर देखा है कि जैसे बताया डॉक्टर रंजन ने कि वो जो PhD होता है काम होता है सिर्फ एक डिग्री के लिए होती है, और कहीं ना कहीं जो जिसको कहते हैं एक्शन रिसर्च, उससे कहीं हम बहुत पीछे रह गए थे, और कहीं ना कहीं रिसर्च ऐसी जो कि समाज के काम आए, देश के काम आए और कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट हो समाज में, तो आपको लगता है कि ये अब हाँ, इसमें जो नई शिक्षा नीति है इसमें टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट जी और रिसर्च इन पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है और रिसर्च के बहुत सारे अवसर इसमें विद्यार्थियों को मिलने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा ले रहा होता है उस समय उसके समुदाय द्वारा जिस एरिया में वो रहता है, जी जी मान लो वो अगर रहता है चंदेरी में तो चंदेरी में जो साड़ियाँ बनती हैं, चंदेरी की जो साड़ी हैं या बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, बनारस के एरिया में रहता है तो वहाँ का समुदाय ही उनको स्कूल में उस चीज़ की ट्रेनिंग देने के लिए आएगा जी जी, और वो उसको शौकिया सीखेंगे। कोई अगर कुम्हार कहीं अगर कोई अच्छे बर्तन बनाता है या कोई किसी क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है किसी जिले में, तो वो उस जिले से उस विद्यार्थियों को वहाँ उपलब्ध होगा उन चीज़ों में बढ़ावा देने के लिए। तो समुदाय, स्थानीय समुदाय आधारित कौशल विकास जी, ये शिक्षा नीति की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वो भी उनकी भाषा में, यानी सोने पे सुहागा जी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो 2040 का लक्ष्य सरकार ने रखा है जी, कि विश्व में फिर से हम ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, ये इस शिक्षा नीति के माध्यम से जरूर पूरा होगा जी। डॉक्टर रंजन, एक सबसे बड़ी बात जो उभर के सामने आई है इसमें, इस शिक्षा नीति में, कि छात्रों को अब शिक्षा के साथ में एक ऐसा हुनर सीखने को मिलेगा कि वो आकर के भविष्य में कुछ अपना रोजगार कर सकें। क्योंकि ये जो स्थितियां अभी जो कोरोना के चक्कर में पूरे के पूरे देश में जो स्थितियां छात्रों के सामने एक भविष्य को लेकर के पैदा हुई हैं, इस शिक्षा नीति के आने से उनका भविष्य में जो धुंधलापन था थोड़ा और अधिक बिल्कुल क्लियर तस्वीर सामने आ जाएगी कि अब हमें करना क्या है भविष्य में। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आपको क्या करना है। अब अभी तक ये होता था कि छात्र किताबी ज्ञान पे था, अब किताबी ज्ञान से उसको हटा दिया गया है। यदि संगीत चाहता है तो संगीत सीखे, बढ़ईगिरी का काम करना चाहता है तो बढ़ईगिरी सीखे। मतलब एक एक ज़माने में जो ITI में स्पेशल एडमिशन लेता था बच्चा जाकर के, तो फिर जाकर वो अपना कुछ कर पाता था, लेकिन यहाँ एक सब्जेक्ट उनके लिए पर्टिकुलर कर दिया गया है। दूसरी चीज़, सरकार को ये मौका भी है और ये ऐसे मौके पर आई है
शिक्षा नीति की आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि आत्मनिर्भर भारत, तो शिक्षा को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है कि छात्र आत्मनिर्भर कैसे बने। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मौका है कि शिक्षा नीति ऐसे समय लागू की जा रही है देश में कि जब संकट का दौर है और छात्र बिल्कुल अंधकार में जी रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही, स्किल्ड से आत्मनिर्भर होने का ये एक चरण में पहुंच रहे हैं हम। और एक हम बात करें, जैसा हमेशा बात करते थे हम कि हमारे यहाँ विदेशों में ऐसी शिक्षा मिलती है, वहाँ इस तरह का एजुकेशन है, वहाँ प्राइमरी लेवल पर ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्कोप होते हैं, तो आपको लगता है कि अब हम कॉम्पीट कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें एक बहुत अच्छी है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जी, ये जो NETF की स्थापना का इसमें प्रावधान दिया गया है और हमारे भारत के बाकी लोगों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे जो दिव्यांगजन हैं जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनके लिए भी बहुत मानवीय आधार पर सरकार के द्वारा ध्यान रखते हुए उनको भी सीखने का और सारा पर्याप्त अवसर मिले, उसके लिए शिक्षा नीति में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। इसलिए निश्चित रूप से जब हमने विकलांग बच्चे दिव्यांगों तक का हमने ध्यान रखा है, तो वास्तव में ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विदेशों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए शिक्षा नीति एक बहुत अच्छा अवसर जो है हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, संस्थाओं को देने वाली है। एक चीज में हस्तक्षेप करना चाहूँगा कि एक चीज़ सरकार ने इस शिक्षा नीति के माध्यम से बोला है कि जो स्कूल शिक्षा के ऊपर जो राजनीतिक प्रभाव है, जो राजनीतिक दबदबा है, उस दबदबे को दूर किया जाएगा। अब पूरी पूरी शिक्षा जो है, जो शिक्षाविदों के, शिक्षकों के और वही लोग जो वाकई में शिक्षा को लेकर के जागरूक हैं, उनके साथ में ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसको राजनीति से, अब ये कितना संभव सरकार कर पाती है राजनीतिक दखलंदाजी इसके अंदर, लेकिन यदि वाकई में राजनीतिक दखलंदाजी इस क्षेत्र से खत्म की जाती है तो शिक्षा का स्तर वाकई बहुत आगे निकलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दखलंदाजी ही जो परिवर्तित करती रहती है, हमेशा चेंज होते हैं, कोर्स चेंज होते हैं, ये चैप्टर बदलना है, फिर यहाँ कर दीजिए, फिर स्टेट लेवल से बातें उठती हैं कि हमारे यहाँ का ये छूट गया, हमारे यहाँ ये छूट गया, आप नेशनल लेवल पर पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा तो ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी यहाँ आकर के अब समाप्त होने वाली हैं। अच्छा, अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, आपको लगता है कि अब इससे गुणवत्ता सुधरेगी नई नीति में और आगे कहीं ना कहीं इसका अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा? देखिए, जब किसी शिक्षा में आप देखेंगे रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी भाषाओं में सीखने के लिए हम अवसर दे रहे हैं, और तो ऐसी स्थिति में ये जो, और साथ में पर्याप्त बजट भी इसमें दिया गया है, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए मिलाकर, तो कहीं हम शैक्षणिक गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। और जैसा कि शिक्षा नीति में घोषणा की गई है कि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना उन्होंने देखा है, वास्तव में ये शिक्षा नीति उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही एक अच्छा उपकरण सिद्ध होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर रंजन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यदि सारा कुछ यदि आप पूरा दारोमदार देखिए, तो हिंदुस्तान में सरकारी सेक्टर के स्कूल की स्थिति आज बहुत ज़्यादा नाजुक है। यदि आप किसी भी राजधानी या किसी भी महानगर से 30 किलोमीटर दूर भी चले जाइए, तो स्कूलों के हालात वैसे नहीं हैं कि वहाँ छात्र बैठ कर के पढ़ाई कर सकें। इस शिक्षा नीति में स्कूलों की उस दशा को सुधारने का प्रयास करने की बात कही गई है। यदि वाकई में इस वहाँ बजट और स्कूलों के संसाधन सुधारे जाते हैं, तो देखिए मानसिक रूप से छात्र, यदि आप ये समझ लीजिए कि यदि कोई नौवीं कक्षा के छात्र को यदि ग्रामीण क्षेत्र में फर्श पर बिठाल करके यदि एजुकेशन दिया जाता है, और वही बच्चा शहर का बच्चा आकर के टेबल कुर्सी पर बैठता है, और वही प्राइवेट स्कूल में जाकर के फोम की कुर्सी पर बैठता है, तो ये जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन शिक्षा नीति में खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अधोसंरचना जो है वही मायने रखती है। भले लोग कहते हैं कि जो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायने रखती है। जो आपको जो साइकोलॉजी प्रभाव अधोसंरचना मिल रही है, आपको जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जिस तरीके से आपको समान सुविधाएं मिल रही है, आपको लगता है कि अब उसमें भी सुधार होने की गुंजाइश हो गई है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शिक्षा वापस अब कमोडिटी से चैरिटी की ओर बढ़ेगी जी, और एक तरह से जो ग्रामीण हमारे विद्यार्थी हैं और जो शहरी विद्यार्थी हैं, दोनों को समान अवसर, क्योंकि इसमें पूरे भारत के लिए एक जैसा कोर्स जी जो है ये करने का, जो है दसवीं इसमें शायद नवीं तक की शिक्षा में एक जैसा कोर्स करने की, इसमें एक समान पाठ्यक्रम जो है पूरे भारत में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी कॉलेज स्कूल हो, सब में एक जैसा पढ़ाने के लिए इसमें घोषणा की गई है जी। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा उसमें जो है कदम है सरकार का, और इससे लोग लाभान्वित होंगे जी। बिल्कुल, तो ये
कदम है सरकार का, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि सभी को समान अवसर से शिक्षा मिले और शिक्षा का जो है वो उसको स्किल से जोड़ा गया है, उसको नवाचारों से जोड़ा गया है, उसको एक क्वालिटी रिसर्च से जोड़ा गया है, और साथ ही जिस तरीके से इसका जो बजट जो बढ़ाने की बात की गई है, जिसकी कि लंबे समय से मांग की जा रही थी, वो भी इसमें है। तो अब अभी ड्राफ्ट आया है, अभी ये नीति आई है, इसका लगातार इसमें विचार मंथन होगा, लगातार इसमें तमाम तरह के पहलू सामने आएंगे। अभी चर्चा में इतना ही, तब तक के लिए पूरी टीम आ गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।